तो दोस्तों, चरणजीलाल कुमावत मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया हुआ है। अपनी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है भाई। 2019 में आए थे और 2024 तक साथ हैं दोनों भाई। और इनका यूट्यूब चैनल दानी अनिल और भी एमआरटी की बहुत सारी चीज़ें दिखाई है और भाई का बहुत सपोर्ट रहा। और अभी हम यहाँ पे छोड़ने आए हैं तो कल हमारी फ्लाइट है 4 बजे। और आपको जो भी अपडेट मिलते रहेंगे बीच बीच में के चैनल के ऊपर, देखते रहना। और चरण जी, अलमाटी से आपने क्या सीखा? अब देखो, हम बीच में जैसे कई बार हमारे बीच में तानावानी हो जाती है, वो दोस्तों में चलती रहती है ऊपर नीचे, उसको नेगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ो लाइफ में और एंजॉय करते रहो। अब हमारी जो जर्नी है, अब इंडिया में अलग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ही, एक पेपर होता है वहाँ पे MCO क्लियर करना है। और आने वाले जूनियर के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं, रीनीट का चल रहा है? रीनीट तो होगा नहीं, उसका तो कन्फर्म हो गया वो। तो आप अच्छे से मेहनत करो, बस ये है कि अब अपडेट ये हो सकता है, सुधार होगी इस बार एंटी के लिए। और जो बच्चे अलमोटी आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको कैसा लगा? आपने 5 साल टाइम नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये कहूँगा, जैसे यूनिवर्सिटी बहुत है, लिमिटेड सीट होती है, पहले आप ऑफिशियली ये चेक करो इस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से एडमिशन लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईयर बैक कर देते हैं। तो आप पहले इन्फॉर्मेशन पूरी चेक करो, MCA की साइट पर जाओ, NMC की साइट पर जाकर चेक करो कि इस यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसमें कितनी सीटें हैं, ऑफिशियली चेक करो सारी चीज़ें, फिर एडमिशन लो। तो चरण जी, बहुत अच्छा लगा, आपने ऑल ये टाइम निकाला दोस्तों। हैप्पी जर्नी अनिल भाई, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से मेहनत करना और अपन पास हो गए तो फिर एक बार वापस अलमाटी आएंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे अलमाटी आएंगे और जल्दी अलमाटी आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अलमाटी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अलमाटी हमारे अंदर से नहीं निकल सकता लाइफ टाइम के लिए। अलमाटी में बहुत चीजें सीखी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।